तो कैनन ने फाइनली लॉन्च कर दी है उनके दो नए कैमराज एंड द फर्स्ट ऑफ तो इस काइंड यानी कि सी लाइनअप के अंदर आर माउंट के फर्स्ट दो कैमराज और वो हैं दी आर सेवन एंड दी आर टेन एंड इससे यानी इस, इस रिलीज से कैनन के एम सीरीज माउंट पर क्या फर्क पड़ता है वो मैंने इस वीडियो में बताया उसका लिंक मैं पिन कॉमेंट में डाल दू अगर आपको देखना है तो देख सकते हो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों कैमरास की फीचर्स को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूं यूट्यूब पे एक महीने से ज्यादा हो चुका है कैमरास को लॉन्च हुए तो फीचर्स के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर मैं कंपेरिजन करने वाला हूं आर और आर के बीच में मोस्ट इसेंशियल डिफ्रेंसेज एंड उसके साथ मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँगा कि आपको रियल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस आएंगे एंड अगर आप कैमरा लेना चाहते हो तो क्या कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप इन दोनों कैमरास को कंसिडर कर रहे हो डिपेंड इन द फीचर्स द प्राइस एंड द रियल वर्ल्ड सिनारी जिसके अंदर कौन सा कैमरा इफेक्ट रहेगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसर की तो सेंसर जो है वो दोनों कैमरास के अंदर ए पी सी साइज़ का सेंसर ही है एम सीरीज़ जो कैमरास है उसी का सेंसर यूज़ किया है लेकिन उसको रीवायर करके इम्प्रूव कर दिया गया है तो परफॉर्मेंस हो सकता है थोड़ा इंप्रूवमेंट आए और आउट ऑफ फोकस में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है और एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सेंसर दोनों में सेम है लेकिन R7 के अंदर 32.5 मेगापिक्सल का सेंसर लगा है और R10 के अंदर 24.2 मेगापिक्सल मेगापिक्सल का सेंसर लगा है तो रेजोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा दोनों ही कैमरास के अंदर डिजिट एक्स प्रोसेसर डला है जो रीसेंट प्रोसेसर है परफॉर्मेंस जो देखा है रियल वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा इन फोटोग्राफी एंड वीडियो एंड स्पेक्स को देख के लगता है कि प्रोसेसर विल नॉट बी बॉटल नेक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वेन यूजिंग बोथ ऑफ दिस कैराज बात करें अगर ऑटो फोकस की तो दोनों कैमरास के अंदर ऑटो फोकस का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा R7 में थोड़ा सा बेटर हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से दोनों कैमरास में ऑटो फोकस परफॉर्मेंस विल ऑलवेज बी ऑलमोस्ट द सेम एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कैमराज के अंदर हंड्रेड सेंसर कवरेज इज कवर्ड अंडर ऑटो फोकस डिपेंड ऑन द लेंस यूज अगर कोई दूसरा लेंस लेते हो तो नाइन्टी से हंड्रेड का कवरेज आपको मिलना चाहिए विच इज अ ग्रेट थिंग ताकि इतना दूर कोई ऑब्जेक्ट हो कोई साइड में ऑब्जेक्ट हो तो वो भी कवर हो जाएगी ऑटो फोकस के अंदर और अगर फोकस की बात करें तो पॉइंट्स की बात करें तो मैं नोट्स में देखता हूं आर सेवन के अंदर है एक्चुअली फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टीन ऑडोफोकस आर टेन के अंदर है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थ्री ऑडो फोकस पॉइंट्स अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आप एक्चुअली यूज करोगे तो सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी वन जोन जो है ऑडो फोकस के वो आप सिलेक्ट कर पाओगे दोनों कैमराज के अंदर एंड बिकॉज प्रोसेसर दोनों के अंदर सेम है तो इस मुझे लगता है कि ऑडो फोकस का परफॉर्मेंस जो आएगा रियल वर्ल्ड में वो दोनों में सेम रहेगा फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में तो अगर आपको सिर्फ बेसिक ऑडो फोकस के बेसिस पर अगर आप दूसरा कैमरा लेने की सोच रहे हो तो लेने की जरूरत नहीं है बाकी फीचर्स को कंपेयर करते हो आंसर आपको मिल जाएगा तो so, फोटोग्राफी की बात करें तो बात करते हैं शटर स्पीड की तो R7 के अंदर जो फास्टेस्ट शटर स्पीड आप यूज़ कर सकते हो वो है वन बाई एट थाउजेंड ऑफ अ सेकेंड मैकेनिकल शटर में एंड अगर R7 की बात करें तो वो एक स्टॉप कम रहता है यानी वन बाई फोर थाउजेंड ऑफ अ सेकंड शूट कर सकते हो लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक शटर पर जाते हैं तो दोनों कैमराज बहुत फास्ट हो जाते हैं अप टू वन बाई सिक्सटीन ऑफ अ सेकंड आप शटर स्पीड यूज़ कर सकते हो फोटोग्राफी की दूसरी जानने की बात करते हैं कि आउटडोर स्पोर्ट्स और इनको छोड़ के अगर आप सपोज फैशन फोटोग्राफी करते हो स्टूडियो फोटोग्राफी करते हो जहाँ फ्लैश के साथ में से यूज करते हो स्लैश फोटोग्राफी करते हो कोई ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो जहाँ हाई स्पीड आपको चाहिए तो फ्लैश सिंग स्पीड का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है तो आर के अंदर जो फ्लैश सिंग स्पीड है वन बाई टू ऑफ ए सेकंड है और अगर इलेक्ट्रॉनिक शटर भी जाते हैं तो वो जाती है वन बाय थ्री ऑफ ए सेकंड विच इज़ गुड इनफ आई थिंक मोस्ट एंट्री लेवल और मिड लेवल सेगमेंट कैमराज में यही शटर स्पीड फ्लैश सिंग स्पीड स्पोर्ट होती है आर में थोड़ी सी कम है वन बाई सेकंड है मैकेनिकल शटर पे और वन बाय टू परिफ्टी ऑफ एसेकंड हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक शटर में तो अगर आपको बहुत हाई स्पीड फ्लैश सिंग परफॉर्मेंस चाहिए देन आर्ट एंड हैज लिटिल बिट ऑफ अ डाउनवर्ड एच आर सेवन थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा बट दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द काइंड ऑफ थिंग्स यू शूट अगर आप फैशन फोटोग्राफी कर रहे हो उसमें ज़्यादा फास्ट मोशन नहीं होता है तो आपको फास्ट फ्लैश स्विंग स्पीड की जरूरत नहीं है लेकिन आप स्लैशे शूट कर रहे हो जैसे ऑब्जेक्ट्स को थ्रो कर रहे हो जिन्हें फ्लैश के साथ में सिंक करके आप मोशन को फ्रीज करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको फ्लैश स्प्रिंग स्पीड सबसे हाइएस्ट चाहिए होती है तो यहाँ पर आर सेवन हैव अ स्लाइट एज ओवर द आर टेन तो फोटोग्राफी की बात कर ही करते हैं तो वापस जाते हैं ऑन फ्रेम्स पर सेकंड यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड कौन सा कैमरा कितना शूट कर सकता है तो यहां पर दोनों कैमराज ही अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि मैकेनिकल शटर अगर ले तो दोनों कैमराज कैन शूट अप टू 15 फ्रेम्स पर सेकंड विथ आउट ऑफ फोकस एंड अगर मैकेनिकल शटर से इलेक्ट्रॉनिक शटर मूव करें तो आर कैन शूट अप टू वन फ्रेम्स पर सेकंड एंड आर और सॉरी आर कैन शूट वन फ्रेम्स पर सेकंड एंड आर कैन शूट अप टू ट्वेंटी फ्रेम्स पर सेकंड विथ आउट ऑफ फोकस परफॉर्मेंस आई थिंक इस रेंज ऑफ कैमराज में दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट शटर आउट आउटडेर क्योंकि आर थ्री में भी देखा जाए तो जो कैन का फ्लैगशिप कैमरा है उसके अंदर मैकेनिकल शटर में 15 फ्रेम्स पर सेकंड मिलता है तो वही टेक्नोलॉजी या उतना ही फास्ट शटर आपको एंट्री लेवल और मिड लेवल कैमराज ये पी एस एवल कैमराज मिल रहा है आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड फीचर टू हैव इन दीज कैमराज अब जो थोड़े भी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स हैं उन्हें पता है कि सिर्फ हाई फ्रेम्स पर सेकंड शूट करने से इतना फायदा नहीं होता है एक बफर भी अच्छा होना चाहिए कैमरा के अंदर ताकि आप उसे तो सस्टेन कर सको ताकि आपका जो एक्चुअल मोमेंट है वो मिस ना हो तो यहां मेरे पास ऑफिशियल नंबर्स है ऑन द बफर्स ऑफ बोथ दर सेवन एंड आर टेन तो मैं नोट्स में से पढ़ के बताऊंगा तो मैकेनिकल शटर की बात करें तो आर सेवन के अंदर है टू ट्वेंटी फोर जेपी जीज एंड फिफ्टी वन रॉज का बफर और आर टेन के अंदर फोर सिक्सटी जेपीजीज एंड ट्वेंटी नाइन रॉमेज का बफर और इलेक्ट्रॉनिक शटर में देखा जाए तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होता है आर सेवन का फॉर सम रीजन वन ट्वेंटी सिक्स जेपी जीज एंड फोर्टी टू रॉ एमेज का बर्स्ट है और आर टेन के अंदर सेवनटी जेपी जीज एंड ट्वेंटी वन रॉस का बर्स्ट है तो यहां पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन ये कि आर टेन के अंदर जो मैकेनिकल शटर में उसमें बफर जेपी ज्यादा है रॉ का कम है मे बिकॉज ऑफ मेगा पिक्सल काउंट या सेंसर का परफॉर्मेंस जो है उसके कारण थोड़ा सा डिफरेंस है तो ये रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि कैमरा परफॉर्म्स इन वॉट मैनर बट ये ऑफिशियल नंबर्स थे इसलिए मैंने आपको बता देता हूं फोटोग्राफी में एक और एस्पेक्ट की बात कर land, करते अगर आप लैंड लैंडस्केप शूट करते हो या आप माइक्रो फोटोग्राफी शूट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बार फोकस टैकंग करना पड़ता है पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके और अगर कैमरा के अंदर वो फीचर नहीं हो देन इट रिक्वायर्स यू टू गो बैक टू कंप्यूटर इन प्रोसेस इमेजेस लेकिन दोनों कैमराज के अंदर इस बार फोकस टैकिंग और फोकस ब्रैकेटिंग भी इंट्रोड्यूस की गई है एंड अपू नाइन 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 एट थाउजेंड इमेजेज आप दोनों कैमराज के अंदर फोकस टैक कर सकते हो तो आप माइक्रो ले रहे हो या आप लैंडस्केप ले रहे हो आपको थोड़ा सा ओपन करके शूट करना पड़ रहा है आप बहुत सारी इमेजेस लेकर उनको इन कैमरा प्रोसेस कर सकते हो अब इसका स कैसा आएगा कंपेयर टू एक्चुअल प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर ये मुझे नहीं पता लेकिन ये फीचर होना ही इंपॉर्टेंट है एंड एटलीस्ट एंडोजियास जो बिगिनर्स हैं जो नया नया फोटोग्राफी सीख रहे हैं जिनके पास में कंप्यूटर नहीं है जिन्हें नॉलेज नहीं है फोकस टैकिंग की तो उनके लिए काफी अच्छा फीचर है वो यूज़ करके डायरेक्टली कैमरा के अंदर से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो काफी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स की हमने बात कर ली डिफरेंसेस की बात कर ली अब आते हैं थोड़े बड़े बड़े डिफरेंसेस के ऊपर तो यहां पर एक मेजर डिफरेंस बिटवीन आर सेवन एंड आर टेन ये है कि आर सेवन के अंदर इन बिल्ट बॉडी स्टेबिलाजेशन दिया गया है एंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लेंस यू यूजिंग मैक्सम ऑफ एथ स्टॉप का आपको स्टेबिलाइजेशन मिल सकता है विच इज अज डील अगर एट्थ स्टॉप्स का एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको मिलता है कंबाइंड विदबीएस एंड द लेंस तो आप बहुत स्टडी शॉट्स ले सकते हो और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अगर शेकी के में हो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है और यही चीज हम आर टेन में जाए तो आर टेन के अंदर इन बॉडी स्टेबिलाईन नहीं दिया गया है लेकिन लेंस अगर है एक दो स्टॉप का तो आप मिल जाएगा आपको और वीडियो के अंदर उसमें डिजिटल स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगा जिसमें थोड़ा बहुत क्रॉप होगा क्रॉप कितना है अभी रिपोर्टेड नहीं है तो अगर आप बेसिक कंटेंट क्रिएशन के लिए उसको यूज करना चाहते हो देन आर एंड कैन वर्क बट अगर आप प्रोफेशनली फोटोग्राफी करना चाहते हो तो देन आई होने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर सेवन एंड द आर टेन तो फोटोग्राफी के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स की हमने बात कर लिए बात करते हैं वीडियो रिलेटेड फीचर्स में एंड यहाँ पर भी छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं एंड एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन आर सेवन एंड दी आर टेन तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं फ्रेम रेट्स क्या हैं। तो दोनों कैमराज कैन शूट अप टू फोर के सिक्सटी एफ पी एस नॉट थर्टी एफ पी एस अपू फोर के सिक्सटी एफ पी एस थोड़ा सा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन वो समझाऊंगा लेकिन अगर आप फुल एच डी की बात करें अप तो अप टू वन ट्वेंटी एफ पी एस आप शूट कर सकते हो स्लो मोशन के लिए और अप टू सिक्सटी एफ पी एस अगर आप शूट करते हो तो आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो तो अगर आपको आ, कुछ वेब स्ट्रीमिंग करनी है या सिक्सटी एफ पी एस में आप वीडियो बनाना पसंद करते हो विद ऑडियो ऑन द कैमरा तो आप एक्चुअली वो बना सकते हो अब कमिंग बैक टू सिक्सटी एफ पी एस तो सिक्सटी एफ पी एस के अंदर टर्म्स एंड कंडीस क्या है कि अगर आप शूट करते हो सिक्सटी एफ पी एस ऑन दी आर टेन तो उसके अंदर आपको मिलेगा अप्रॉक्सिमेटली 1.61 पॉइंट सिक्स वन टाइम्स का क्रॉप यानी नॉर्मल मोड्स यानी 4K 30 तक आपको कोई भी क्रॉप नहीं मिलेगा 4K 60 में आपको 1.6 पॉइंट टाइम्स का क्रॉप मिलेगा अब डेफिनेटली क्रॉप थोड़ा ज्यादा है लेकिन एटलीस्ट आपके पास में ऑप्शन है टू शूट 4K 60 एंड क्रॉप को आ, अकाउंट में रखते हुए अगर आप सही में फोर के सिक्सटी शूट करना चाहते हो देन अपनी कॉम्पोजिशन को एडजस्ट करके आप मैनेज कर सकते हो एटलीस्ट फोर के थर्टी तक तो कोई भी क्रॉप नहीं है विच इज अ गुड थिंग अगर आप बात करें आर सेवन की तो आर सेवन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आप उसमें फोर के सिक्सटी फुल क्वालिटी फुल क्वालिटी यानी फुल विद सेंसर के साथ में उसको शूट करते हैं तो आपको मिलेगा वन पॉइंट एट टाइम का क्रॉप क्योंकि मेगा पिक्सल काउंट थोड़ा ज्यादा है थर्टी टू मेगा पिक्सल समथिंग है तो क्रॉप थोड़ा ज्यादा मिलेगा लेकिन एक इंटरेस्टिंग मोड इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है क्या अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी लॉस देख सकते हो तो आपको फुल विड सेंसर विदाउट क्रॉप आप शूट कर सकते हो एक्चुअली आर सेवन पे तो उसके अंदर या तो लाइन स्कीपिंग या पिक्सल बिनिंग होने के साथ में आपको फुल सेंसर का क्वालिटी मिल जाएगा इस बजट में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इस बजट के अंदर फोर के सिक्सटी बहुत सारे कैमराज में ऑलमोस्ट नहीं आता है एक्सेप्ट मोबी फोर जी कैमराज के अंदर आता है तो यहां पर फोर के सिक्सटी ऑप्शन होना इन अंडर वन लाख बजट जो मैं प्राइस की डिस्कस करूंगा इज अज डील एंड जो दूसरी एक बात है वीडियो के अंदर जो आई थिंक मेक्स इट इवन बेटर कि दोनों कैमराज के अंदर फोर टू टू टेन मिट इंटरनली आप रिकॉर्ड कर सकते हो एंड दिस इज एब्सुलटली क्रेजी फॉर कैमराज इन दिस बजट एक्सेप्ट फोर द फो जी एक्सटी थ्री एंड एक्सटी फोर कोई भी कैमरा 10 बिट फोर टू टू रिकॉर्ड नहीं करता है इन दिस प्राइस रेंज एंड इवन फू के अंदर भी फोर टू जीरो ही आप इंटरनल रिकॉर्ड कर सकते हो फोर टू टू के लिए आपको एक्सटर्नल रिकॉर्ड करना पड़ता है अब कौन से कोडेक में रिकॉर्ड होता है कोडेक अच्छा परफॉर्म करता है कि नहीं लॉन्ग जी में है कि दूसरे कोई उसमें मोड में आता है वो सब थोड़ा रियल वर्ल्ड में पता चलेगा लेकिन जस्ट हैविंग द ऑप्शन ऑफ फोर टू टू टेन बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग इज अज डील अब वीडियो मेक और फीचर जो डिफरेंस की बात करते हैं कि दोनों कैमराज जो रिकॉर्ड करते हैं एक स्पेसिफिक एच डीर पी क्यू मोड में रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो जिसमें आपको हाईलाइट्स में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी डायनेमिक रेज इंप्रूव हो जाती है लेकिन डिफरेंस दोनों कैमरे में एक है कि आर टेन कैन ओनली शूट एच डी क्यू एंड उसके अंदर कोई भी लॉग शूटिंग मोड नहीं है जबकि R7 के अंदर C Log 3 का सपोर्ट कैन ने इंट्रोड्यूस किया है अब मेरे ख्याल से अगर R10 भी इंट्रोड्यूस कर देते तो अच्छा रहता छोटे मोटे डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि पोर्ट्स कौन कौन से हैं तो R10 के अंदर हेडफोन जैक नहीं है यानी ऑडियो मॉनिटरिंग आप नहीं कर सकते लेकिन R7 में आप हेडफोन जैक के साथ ऑडियो मॉनिटरिंग कर सकते हो कार्ड स्लॉट्स की बात करें तो R7 के अंदर ड्यूल कार्ड स्लॉट सपोर्ट दिया है दोनों यूएचएस टू कार्ड स्लॉट्स हैं लेकिन आर टेन के अंदर सिंगल कार्ड स्लॉट है विच इज़ फाइन बट यू एच एस वन कार्ड सपोर्ट दिया है यहाँ पर यूएचएस टू होता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता है ताकि आप हाई बैंडविड के वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ये थे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड आर टेन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस पे जो कि है प्राइस तो जो ऑफिशियल एम है कैनन की तरफ से वो है आर टेन की एटी वन थाउजेंडी एटी थाउजेंड नाइन फॉर द बॉडी ओनली फॉर आर

द अमाउंट ऑफ फीचर्स दिस कैमरा पैक्स विथ ई वी एफ जो कि दोनों कैमराज में ई वी एफ नहीं है इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड आर सेवन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है बट बट फॉर द प्राइस रेंज जो ये फीचर्स कैमरा दे रहा है ऑफ कैनन के कलर साइंस एंड कैनन का ऑडो फोकस परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट टॉप नॉट चाहता है कलर साइंस में मुझे इतना बिलीफ नहीं आई थिंक इट्स ऑलवेज़ सब्जेक्टिव लेकिन ऑटो फोकस परफॉर्मेंस में कोई डाउट नहीं होता है कि कैन का ऑटो फोकस परफॉर्मेंस हैज़ ऑलवेज बीन ग्रेट एंड इस कैमरा के अंदर तो आर थ्री से इंप्लीमेंट हुआ है अब ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा कैमराज अच्छे हैं कौन सा कैमरा पसंद आया आर सेवन के आर एन मेरा कंपेरिजन अच्छा लगा कि नहीं मुझे कॉमेंट्स बताओ मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके बता सकते हो डीएम कर सकते हो कुछ क्वेश्चन हो नहीं तो मेरे टेलीग्राम कम्यूनिटी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर हम बातें कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी